इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। और मुस्लिम त्यौहार एक साथ है सर, इस दौरान पीस कमेटी की आपके द्वारा बैठक भी हुई है, जिसमें भी आपने संदेश लेतपुर जनपद में सुख और शांति के लिए आपने संदेश दिया, अब जनता को संदेश क्या देना चाहिए? सबसे पहले तो ललितपुर पुलिस की तरफ से ललितपुर के सभी वासियों को होली की और इसके अलावा बाकी शबेरात की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरी आप सबसे अपील है कि इस त्यौहार में आप सब आपसी भाईचारे, सामंजस्य एवं प्रेम का संदेश दें, सभी लोग कानून का पालन करें, कानून का जो है उसका उल्लंघन बिल्कुल ना करें, प्रशासन का सहयोग करें और आप सब इस त्यौहार में बेहद खुश रहें, हंसी उल्लास के साथ इसको मनाएं और ये आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए। ललितपुर जनपद के बगल में झांसी है, झांसी के एरस से होलिका का शुरुआत हुआ है और ये हमारे बुंदेलखंड की एक जो रीति है, यहाँ पर दोज के दिन हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई होली के ठीक दूसरे दिन वीरगति को प्राप्त हुई थी, इसमें आप क्या कहेंगे? बुंदेलखंड का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है यहाँ पे, और ये सबके लिए बहुत ही फ़ख्र की और गर्व करने की बात है कि हम एक ऐसी धरती में हमें काम करने का मौका मिला है जिसका इतना गौरवशाली इतिहास है। और मैं चाहूँगा कि इस होली के अवसर पर हम ऐसे सभी लोगों को याद करें, ऐसे सभी लोगों का सम्मान करें जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए और समाज के उत्थान के लिए अभूतपूर्व काम किया है। धन्यवाद। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।